ओके तो बच्चों ये वही रेगुलर क्वेश्चन है जो हमने आपको दिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वर्क डन बाय ए बॉडी फ्रॉम फोर्स डिस्टेंस कर्व, किसके बराबर, कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा बेटा, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाला आपने, जल्दी से बताइए। एरिया अंडर द कर्व बेसिकली ये पुराना जो लिखा उसी का आ गया। तो आप देखिए, अगर हम कर्व बनाएं तो यहां पर हम फोर्स लिखेंगे और यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो कर्व फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा आ रहा है कर्व, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन हो जाएगा इस कर्व के अंडर का एरिया। अगर हम ये एरिया निकाल पाते हैं तो ये इसकी डायमेंशन ही तो होंगी, फोर्स डॉट एस, बात समझ में, क्योंकि एक्स एक्सिस में बच्चों क्या है, एक्स एक्सिस में फोर्स है और वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है। तो एरिया अंडर द कर्व विल बी द वर्क डन। सब बच्चों के समझ में आ गया? यस सर, यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। दूसरा कह रहे हैं क्वेश्चन, ए स्टोन रब्ड ऑन ए रफ सरफेस एंड प्लेस्ड ऑन द स्किन विल शो हीट सेंसेशन बिकॉज ए फ्रिक्शन कॉज हीट, हीट फ्लोज फ्रॉम स्टोन टू स्किन, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम स्किन टू स्टोन, हीट कांट फ्लो। तो कह रहे हैं कि वो जो बेसिकली स्टोन था वो गर्म हो गया था और वो हमें हीट सेंसेशन देने लगा, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे, कौन बताया? फ्रिक्शन कॉजेस हीट। लेकिन ये एक्चुअली में करेक्ट आंसर है क्या इसका, heat flows from the stone to skin। हाँ बेटा, ये ए जुमला है तो करेक्ट, बट इट इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, इसमें पीडीएफ में बेटा चाहे जो भी लिखा हुआ हो, याद रखिए, पीडीएफ में चाहे जो भी लिखा हुआ हो, आंसर इसका जो मैं यहाँ पे हम डिस्कस कर ले रहे हैं वो इंशाल्लाह सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहे हैं बच्चों, ऑन ए रफ सरफेस ए मास इज पुल्ड पुश, एक बार हमने पुल्ड कर दिया, एक बार पुश कर दिया, बाई ए फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल विद द सरफेस, और वो कोई एंगल पर था, किसी एंगल पर था सरफेस से, तो पुशिंग इज इजियर, पुशिंग एंड पुलिंग बोथ आर इजियर, पुलिंग इज इजियर, पुशिंग एंड पुलिंग आर नॉट इजियर। बच्चों क्या होगा इसका आंसर, जरा जल्दी से बताइए। इसका आंसर जो होगा बच्चों कि हमेशा पुलिंग इजियर होगी, खींचना इजिंग होगी, खींचना जो है वो क्या होगी, वो इजियर होगी। क्यों इजियर होगी, कौन बताएगा, जल्दी से मुझे जल्दी से बताइए। किसमें एंगल लग रहा है, थीटा लग रहा है। हाँ, ध्यान से सुनिए, एक तो ऐसा मास है, इसको हम येलो से बना लेते हैं बच्चों, एक ऐसा मास है, इसको आप क्या कर रहे हैं, यूं इधर की तरफ लगा रहे हैं, तो ये बेसिकली पुलिंग होगी, बात समझ में, इसमें जो एंगल बनना है वो थीटा, बात समझ में। और मान लीजिए एक ऐसा मास है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं आप, यूं फोर्स लगा रहे हैं, यूं, बात समझ में आ रही है? ठीक है, बोलिए। तो फोर्स है बच्चों वो तो यूं है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूं है, तो इसमें एंगल कौन सा है, एंगल कौन सा, जल्दी से बताइए। एंगल बच्चों ये वाला है, दिस इज द थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों की? यस सर। ओके, इसमें एक फैक्टर और भी है, वो मैं फिलहाल डिस्कस नहीं करना चाह रहा, आप इतना ही समझ लीजिए कि पुलिंग इज ऑलवेज इजियर, ये बेसिकली क्या चीज है, पुशिंग है, ये क्या चीज है, पुशिंग। ओके, नाउ अगेन हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है बच्चों, व्हेन ए बॉडी रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन देन इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी, इट हैज नो एनर्जी, कौन सी एनर्जी है बच्चों उसके पास, जल्दी से बताइए। कौन सी एनर्जी है बच्चों, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए ये इंक्लाइंड प्लेन है,
ठीक है ना। तो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट सपोज करिए बॉल है एंड इट इज ये बेसिकली रोल करते हुए नीचे आ रही है, तो इसके पास वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और इसके पास हाइट भी अवेलेबल है, इसके पास हाइट भी अवेलेबल है। तो एक्चुअली में इसके पास सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी ही है जो सबसे ज्यादा है, और पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, बात समझ में आ रही है। तो इसकी हाइट कम होती जा रही है और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसके पास दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है काइनेटिक एनर्जी है जब तक ये चल रही है। जब ये यहां पर आके रुक जाएगी, बल्कि यहां भी नहीं रुकेगी और आगे तक चलती रहेगी, जब ये यहां पर फॉर एग्जाम्पल आके रुक जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी, तो इसकी हाइट को हम जीरो मान लेंगे, बात समझ में, इसकी हाइट को हम जीरो मान लेंगे अर्थ सरफेस पर। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। इसके बाद काइनेटिक बल्कि इसके पास इसकी काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो जाएगी, किसके अंदर जाके, फ्रिक्शन में जाके खत्म हो जाएगी अगर ये रुक गई तो, बात समझ में आ गई। अगर ये रुक गई और चलती रही तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वो कहां पर होगी, वो बिल्कुल यहां पर होगी जब ये इंक्लाइन प्लेन खत्म होने वाला होगा, बात समझ में आ गई। ठीक है बोलिए। यस सर। बच्चों क्या, बच्चों 9:07 हो गए, तो अब हम इसके क्वेश्चंस कल कर लेंगे, और हमने अक्सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ही लिए हैं, आप इसके सारे क्वेश्चन करके देखिए, अगर कोई नहीं होता तो मुझसे पूछ लीजिए, और जो यूट्यूब में जो क्वेश्चन अपलोडेड है उनको आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। इसके गालिबन प्राइवेट वीडियोस नहीं है इसके, इस वाले चैप्टर के, तो आपको इंशाल्लाह सारे ही नजर आएंगे, और अगर मैंने और भी कुछ करा रखे होंगे तो मैं ढूंढ के वो भी आपको दे दूंगा। इसके आप हाथ के हाथ फिनिश करते चले जाइए सब, ये जो अब हम कर रहे हैं ना इनको सब वाइंड अप करते चले जाइए सारे चैप्टर्स का, बात समझ में। फिर हम बाद में आखिर के 10-15 दिन में जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे बहुत सारे चैप्टर्स के, ठीक है ना। मेरा इंशाल्लाह ताला मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जो मार्क्स है ना वो सब बच्चों के